डीएलएड प्रशिक्षु छात्रों ने प्राइमरी शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में विभागीय समायोजन किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी बीटीसी प्रशिक्षुओं को वरीयता दी जाती रही है। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने विधायक के माध्यम से कपकोट में 18 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा है। कपकोट के विधायक श्री सुरेश गड़िया जी और उन्हीं के द्वारा हमने राज्य मंत्री श्री शिवजीत सिंह बिष्ट जी को ज्ञापन भिजवाया है, जिसमें हमारी मांगे थी कि एक मांग तो हमारी ये थी कि जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनको जो है प्रथम वरीयता दी जाए, और जो प्रणाली है उन्होंने जो नियमावली संशोधित करनी है उसमें डीएलएड प्रशिक्षुओं को वरीयता दी जाए, क्योंकि पूर्व में भी बीटीसी को ऐसे ही विभागीय समायोजन के साथ वरीयता दी जाती थी। और दूसरी हमारी ये मांग रही है कि राज्य में अब यूपी को देखते हुए एक चयन परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है, और जैसे कि डीएलएड प्रशिक्षु पहले ही कंपटीशन फाइट करके वहाँ पे पहुँचे होते हैं, डीएलएड में पहुँचे होते हैं, तो इसी को देखते हुए उनको इस चीज़ से मुक्त किया जाए। तीसरी हमारी एक मांग ये है कि जो डीएलएड प्रशिक्षु अभी की जो भर्ती चल रही है इसमें, तो वो पोस्ट में भी डीएलएड प्रशिक्षुओं को आगे रखा जाए। सर, हमारी डिमांड यही है कि हमारे जो उत्तराखंड डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो सभी पहले से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आए हुए हैं, तो हमारा यही है कि हम लोगों को जो अभी चयन प्रक्रिया होने वाली है उससे मुक्त कराया जाए, और हमें बस डीएलएड पास प्रशिक्षु को सीटेट के आधार पर ही वरीयता मिलनी चाहिए। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।